जिनकी प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, तो उनका जो लोअर एब्डोमिनल स्किन होता है वो लटक भी जाता है बहुत बारी, सिर्फ फैट नहीं होता, पूरा टायर बन के बन जाता है जी, जी, तो उसको भी निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी, जहाँ पे आपका फैट है वहाँ से निकाल दिया और जहाँ फैट नहीं है, बटक में फैट नहीं है तो वहाँ डाल दिया। फीमेल्स की बात करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस की हम बात करते हैं, यूजुअली बॉलीवुड में हम काफ़ी देखते हैं कि ब्रेस्ट की सर्जरी फीमेल्स बहुत करवाती हैं। अगर किसी का साइज ए या बी कप है और वो सी या डी कप चाहता है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट एक डे केयर सर्जरी है कि वो करा सकते हैं और उसी दिन घर वापस जा सकते हैं और अपना सारा काम हम रिज्यूम कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ डे केयर सर्जरी। लेकिन वो ब्रेस्ट टिश्यू एक बार जब बन गया तो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता, मतलब कोई और ट्रीटमेंट नहीं है उसका। हाँ, आप वो आप सोचें कि मेडिसिन, ड्रग्स, एक्सरसाइज, जिम कर लें तो वो ग्लैंड चल जाएगा, नहीं, एक बार ग्लैंड बन गया तो बन गया, अब उसको निकालना है तो सर्जरी ही होगा। इस तरह के काफ़ी मिथ्स या ऐसी बहुत सी बातें जो है वो सुनने को आती हैं, लोग कहते हैं कि निकलवा लो लेकिन उसके बाद बहुत पेनफुल रहता है और उसके बाद फिर से फैट बन जाता है, कहाँ तक कराओगे, ये सब बातें मतलब मैंने कुछ सुनी है। स्टोन बाहर निकली हुई है और वो फैट पिंच नहीं हो रहा, सो दे आर नॉट गुड कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। उसमें आप कर देंगे तो वो पेशेंट खुश ही नहीं होगा क्योंकि कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा। कई सारे आप मॉडल्स देखते हैं, आपको लगता है ये तो एक जैसी लग रही है, तो इंडिविजुअलिटी नहीं होती। अगर हम पूजा जी की सर्जरी कर रहे हैं तो वो पूजा ही लगती रहनी चाहिए, मे बी अ बेटर वर्जन ऑफ पूजा एंड नहीं कोई और दूजा, है ना। कॉस्मेटिक सर्जरी कोई भी ले सकता है, लेकिन एक सर्जरी होती है जो ट्रांसजेंडर्स करवाते हैं, क्या डिफरेंस है? हेलो व्यूअर्स, द पूजा सिंह पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले भगवान से हम कहा करते थे कि भगवान हमें खूबसूरत क्यों नहीं बनाया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को नहीं बनाया है, और भगवान से हम बहुत सारी कंप्लेन करते थे कि मेरी नाक मोटी क्यों दे दी, मेरी ठुड्डी छोटी क्यों दे दी, सुराही जैसी गर्दन होनी चाहिए थी, पतली कमर होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो है भगवान से कंप्लेन ये सब कम हो गई हैं, बल्कि कहेंगे बंद हो गई हैं, क्योंकि अब जो है भगवान धरती पर आ गए हैं और वो है हमारे कॉस्मेटिक सर्जन। और आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे ही सर्जन हैं जिनको आपको खूबसूरत बनाने में कोई देर नहीं लगने वाली, और वो है डॉक्टर रजत गुप्ता, सीनियर कॉस्मेटिक सर्जन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू पूजा जी। जी, ग्लैड टू बी हियर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर कि जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को बहुत सी कंप्लेंट होती थी कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हमारी गर्दन मोटी क्यों है, पतली क्यों नहीं है, इन जनरल सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी किस तरह की होती है अभी की बात करें तो? देखिए, दो तीन कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत कॉमन हैं हिंदुस्तान में जी। बॉडी कंटूरिंग, लाइपोसक्शंस बहुत कॉमन है, और फीमेल्स में और मेल्स में, दोनों में। मेल्स बहुत से होते हैं जिनको गायनेकोमेसिया या मैन बूब्स हो जाते हैं, या वो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया फिटनेस की तरफ से, जिम की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बट उसकी वजह से साथ में सब लोगों को लगता है कि हमारे वो लव हैंडल्स नहीं जा रहे, वो वी शेप नहीं आ पा रही मेल्स में। और ऐसे ही फीमेल्स में अगर उनको आरग्लास शेप नहीं आ पा रहा, रेस्ट इन फैट होता है एब्डोमेन में, या बटक्स किसी किसी के बड़े होते हैं, या थाइस बड़ी होती हैं, सो वो काफ़ी कॉमन सर्जरी है। दूसरी कॉमन सर्जरी है हेयर ट्रांसप्लांट। बाल धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि अगर बाल कम ना हो तो हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत कॉमन सर्जरी है। तो ये दो है। अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, भले ही हम कितनी भी बात कर ले बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही मेरे ख्याल से जानता है। तो फीमेल्स कौन सी सर्जरी ज़्यादा प्रेफर करती हैं? ये पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बॉडी शेमिंग की बात, दिस इज नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग, दिस इज अबाउट लुकिंग एंड फीलिंग गुड अबाउट योर ओन सेल्फ। ठीक है, बॉडी शेमिंग तो वह किसी का मजाक उड़ाना, इंसान हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम बात कर रहे हैं कि इंसान चाहता है, आप देखिए आप इतना अच्छा अपना ड्रेस पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? ताकि मैं सुंदर लगूँ। मेकअप किया है, लिपस्टिक लगाई है, क्यों किया? क्योंकि हम सुंदर लगें। अगर आपने वो अपना शरीर का बॉडी पार्ट, अपना अंग ही सुंदर कर लिया तो आप कुछ भी पहने बहुत सुंदर ही लगेंगे, है ना। सो अब आती है आपकी बात पे कि फीमेल्स के लिए क्या कॉमन है। ब्रेस्ट कंटूरिंग, जिसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है, ब्रेस्ट रिडक्शन होता है, और ब्रेस्ट लिफ्ट भी होता है, बहुत सी फीमेल्स के ब्रेस्ट सैग कर जाता है, ये बहुत कॉमन सर्जरी है। और बॉडी कंटूरिंग जैसे मैंने बताया, लाइपोसक्शन, स्पेशली उन फीमेल्स के साथ जिनकी प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, तो उनका जो लोअर एब्डोमिनल स्किन होता है वो लटक भी जाता है बहुत बारी, सिर्फ फैट नहीं होता, पूरा टायर बन के बन जाता है जी, जी, जी। तो उसको भी निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी, लाइपोसक्शन के साथ किया जाता है। हाई डेफिनेशन करते हैं हम, जिससे एक आरग्लास शेप के साथ साथ एक एब्स डेफिनेशन भी दें, आपने देखा होगा हमारे रिजल्ट्स, सो एक एब्स भी बन जाते हैं
सो वो बहुत कॉमन सर्जरीज हैं। आर्गला क्या होती है, मैं जानना चाहूँगी। आर्गला शेप थिन वेस्ट गोइंग इनटू एन आउटर बटक्स, 0.6 का रेशियो जिसको आइडियल बोलते हैं, कि वेस्ट कम फिर पेल्विस, तो एक आर्गला शेप होती है। सो बहुत सी फीमेल्स चाहती हैं ऐसा होना, तो वो कर सकते हैं। साइड से अगर देखते हैं प्रोफाइल व्यू, तो कमर अंदर गई और बटक बाहर निकला, सो साइड से भी उसको एक एस कर्व भी बोलते हैं, तो एस कर्व अगर कोई चाहता है तो वो भी करा सकता है। सो जहाँ पे आपका फैट है वहाँ से निकाल दिया, और जहाँ फैट नहीं है, बटक में फैट नहीं है, तो वहाँ डाल दिया। सो ये भी प्रोसीजर्स करे जा सकते हैं, ये मतलब बैलेंसिंग होती है। ये आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस की हम बात करते हैं, यूजुअली बॉलीवुड में हम काफ़ी देखते हैं कि ब्रेस्ट की सर्जरी फीमेल्स बहुत करवाती हैं, उस सर्जरी के बारे में बताइए, क्योंकि उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। देखिए, ब्रेस्ट के एसेंशियली तीन तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। पहला प्रोसीजर होता है कि साइज एनहांसमेंट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बोला जाता है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन के दो तरीके हैं। एक तो होता है सिलिकॉन इम्प्लांट्स, बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने का। अगर किसी का साइज ए या बी कप है और वो सी या डी कप चाहता है, तो ब्रेस्ट इम्प्लांट एक डे केयर सर्जरी है कि वो करा सकते हैं और उसी दिन घर वापस जा सकते हैं और अपना सारा काम हम रिज्यूम कर सकते हैं। सो इट्स लाइक ए डे केयर सर्जरी। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि हमें उतना बड़ा नहीं करना, और मेरे को या फिर एक फॉरेन बॉडी इम्प्लांट नहीं डालना, तो दूसरा ऑप्शन ऑगमेंटेशन का होता है फैट ग्राफ्टिंग। तो किसी भी इंसान के शरीर में जहाँ पे भी एक्सेस फैट है, उस फैट को लाइपोसक्शन के द्वारा निकाला जा सकता है, उस फैट को प्योरीफाई किया जा सकता है ट्रीट करके, और उस फैट को ब्रेस्ट में डाला जा सकता है। सो आपका ही अपना फैट आपके ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। एडवांटेज क्या हुआ, जहाँ एक्सेस फैट है वो भी निकल गया और ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ गया। सो ये दो तरीके हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के। जी जी जी। इसके अलावा बहुत कॉमन सर्जरी है ब्रेस्ट रिडक्शन। सो बहुत सी फीमेल्स होती हैं इनका ब्रेस्ट का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, सो वो सोशल एम्बेरसिंग हो जाता है, यू नो इट रिस्ट्रिक्ट्स योर चॉइस ऑफ क्लोथ्स, इट ऑल्सो एड्स वेट टू देयर नेक एंड शोल्डर्स। और बहुत सी फीमेल्स आती हैं, इनको बोलते हैं नेक और शोल्डर पेन हो रहा है, और एम्बेरसिंग भी होता है, सोशल एम्बेरसिंग अगर बहुत साइज बड़ा है तो। सो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी भी होता है, बहुत कॉमन सर्जरी है इंडिया में, एक्चुअली मोर कॉमन है देन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन अगर देखा जाए तो। फिर एक तीसरा ऑप्शन होता है ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी। सो बहुत सी फीमेल्स का स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी या वेट लॉस के बाद ब्रेस्ट सैग कर जाता है, तो जो निप्पल एरियोला सामने हमने देखा है सुंदर ब्रेस्ट में, वो नीचे करीब तरफ आ जाता है, तो उसके लिए हम अपर पोल खाली हो जाता है तो फ्लैट सा हो जाता है, तो उसको ब्रेस्ट लिफ्ट कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, रिडक्शन और लिफ्ट कॉम्बिनेशन में भी किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, तो किसी की अगर सपोज सैगिंग है और वो चाहता है कि सैगिंग के साथ साथ इंक्रीज भी साइज हो जाए, तो वो भी किया जा सकता है। तो आपने लिफ्ट भी कर दिया और ऑगमेंटेशन भी कर दिया। ऐसे ही किसी का रिडक्शन करना है लेकिन लिफ्ट भी करना है, तो कॉम्बिनेशन प्रोसीजर्स भी बहुत कॉमन है। बिकॉज यूजुअली जब फीमेल की ब्रेस्ट हमारे पास आते हैं, हम शेप देखते हैं, कई बार तो उनको नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, उनके दिमाग में एक अंदाज़ा होता है, और फिर हमको जो पढ़ाते हैं तो कहते हैं हाँ सर हमें रिडक्शन के साथ साथ लिफ्ट भी चाहिए, या रिडक्शन तो करना है क्योंकि काफ़ी सैग कर गया है, बड़ा लग रहा है, अजीब है, लेकिन अपर पोल फुलनेस नहीं है तो वो भी चाहिए। सो कॉम्बिनेशन सर्जरीज की वजह से जो स्कल्पचरिंग हम कर पाते हैं, जो शेप दे पाते हैं, वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत दे पाते हैं। जी, वो तो मैंने देखे हैं आपके जो आप ऑपरेशन करते हैं वीडियोस, मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं उसमें काफ़ी। इसमें आप जब कोई पेशेंट आपके पास आती है फीमेल अपनी ब्रेस्ट को लेकर के, वो ज़्यादा मतलब कॉन्शियस रहती है, तो आप क्या किसी तरह की पहले काउंसलिंग भी करते हैं, समझाते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या इसके पॉजिटिव क्या नेगेटिव हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज बहुत बारी ना हम अमूमन तौर पे अपने पेशेंट के कंसल्टेशन बोलते हैं, जब वो इम्प्लांट कराने आते हैं तो कहते हैं बड़े से बड़ा डाल दीजिए, जब वो छोटे करने आते हैं और किसी को बड़े बहुत सफ़र कर रहे होते हैं बिग ब्रेस्ट से, तो वो तो बिल्कुल सर, अभी एक थोड़े दिनों पहले एक हमने आंटी जी का किया, तो पंजाब से आई थी, तो उन्होंने बोला कट दे नो, तो शी वॉज सो सफरिंग फ्रॉम बिग ब्रेस्ट कि उनको लगता था जी इससे अच्छा तो फ्लैट ही हो जाए। और इफ़ सम वुमेन इस सिवियरली कॉन्शियस अबाउट फ्लैट चेस्ट, या वो उनको लगता है ब्रेस्ट है ही नहीं, तो वो चाहते हैं कि सर अब तो मेरे को बड़े से बड़ा चाहिए, है ना, क्योंकि वो उस समय ये सोच नहीं पा रहे होते कि क्या सही लगेगा। सो उस समय हमारा काम, हमारा रोल आता है कि हम उनको पढ़ाएं, उनको एजुकेट करें कि व्हाट विल लुक गुड ऑन देम, हम एक्सट्रीम्स में ना जाएं। सो हम मेजरमेंट्स करते हैं बहुत सारी, बेसिकली आप समझिए कि शोल्डर विड्थ, पेल्विक विड्थ,
इंसान की कंसिडर की जाती है, उस सबसे गाइड किया जाता है कि क्या साइज उन पे अच्छा लगे, सूट करेगा। हाँ, सो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि देखो मकसद ये है कि आप आज खुश होएं सर्जरी के बाद, और 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी यू आर प्राउड कि बिल्कुल सही शेप और रिजल्ट लिया, ये नहीं हुआ कि हमने ज़्यादा कर लिया, है ना, एक्सट्रीम में चले गए। सो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेल्स की भी ब्रेस्ट के इश्यूज होते हैं जैसे कि आपने बताया, उसमें क्या कुछ प्रोसीजर रहता है? सो गायनोकोमेसिया बोलते हैं, मैन बूब्स, है ना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी वी डू इन इंडिया फॉर मैन, बहुत कॉमन है, हर 6-7 में से एक आदमी को होता है। एंड देयर मोस्ट कॉमन कॉज इज एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट, यानी 14-15 साल की उम्र में इंसान जब ग्रो कर रहा होता है तब हार्मोन चेंजेस होते हैं, लेकिन तब किसी किसी में ब्रेस्ट इश्यू बन जाता है। वो अमूमन तौर में पूरा फीमेल ब्रेस्ट की तरह नहीं बनता, बिकॉज हार्मोन बैलेंस कुछ ही महीनों के लिए होते हैं, और देखें आप इंसानों को, इन लड़कों को, तो उनके दाढ़ी मूछे सब आ चुकी होती हैं, लेकिन वो ब्रेस्ट इशू एक बार जब बन गया तो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता, मतलब कोई और ट्रीटमेंट नहीं है उसका। हाँ, आप वो आप सोचें कि मेडिसिन, ड्रग्स, एक्सरसाइज, जिम कर लें तो वो ग्लैंड चल जाएगा, नहीं, एक बार ग्लैंड बन गया तो बन गया, अब उसको निकालना है तो सर्जरी ही होगा। और हम जिस तरह सर्जरी करते हैं, हमारी डिस्क्राइब टेक्निक है, सामने कोई कट नहीं आ रहा, देखिए बड़े कॉन्शियस रहते हैं लोग, मेल्स जिनको होता है, वो टाइट टी शर्ट पहनना अवॉइड करते हैं, उनके आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज भी कंधे थोड़े झुके रहते हैं, राइट, स्विमिंग पे, बीच वर्ल्ड पे जाना अवॉइड करते हैं। अब अगर हमने उनको मैस्कुलिन फ्लैट चेस्ट दे दिया और सामने स्कार दे दिया तो स्विमिंग पे, बीच वर्ल्ड पे फिर भी नहीं जाएंगे, राइट। सो आपने पूरा रिहैबिलिटेट तो किया ही नहीं उस इंसान को सोसाइटी के लिए। सो हम जिस तरह से करते हैं थोड़ा डिफरेंट है, साइड में कट देते हैं 4-5 मिलीमीटर का, और उसी से पूरा सर्जरी करते हैं। अच्छा, फीमेल्स में भी इतना ही कट लगता है क्या? नहीं, फीमेल्स में अगर हम ब्रेस्ट इम्प्लांट या ऑगमेंटेशन की बात करें तो जो इंसिजन आता है वो ब्रेस्ट के अंडर सर्फेस पे आता है। ओके। और वो बिटवीन 2.5-3.5 सेंटीमीटर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इम्प्लांट चूज। वो जो स्कार है वो काफी हल्का हो जाता है, बट इट इज ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द ब्रेस्ट, इवन इफ समवन इज स्टैंडिंग नेकेड नोबडी कैन सी दैट स्कार, वो ऐसा होता है। लाइपोसक्शन को लेके बात करते हैं, लाइपोसक्शन से कहते हैं कि आप फैट निकालिए लेकिन उसके बाद फिर से बन जाता है, ये इस तरह के काफ़ी मिथ्स या ऐसी बहुत सी बातें जो है वो सुनने को आती हैं, लोग कहते हैं कि निकलवा लो लेकिन उसके बाद बहुत पेनफुल रहता है और उसके बाद फिर से फैट बन जाता है, कहाँ तक कराओगे, ये सब बातें मतलब मैंने कुछ सुनी है, इसीलिए आपसे पूछना चाह रही हूं। हिंदुस्तान में हम सब डॉक्टर्स हैं, और टिप्पणी हर कोई करता है ना, तो चाहे नॉलेज है चाहे नहीं है, सो मैं आज आपको थोड़ा साइंटिफिक बेसिस बताने की कोशिश करता हूँ इस बारे में। फैट सेल्स के जो अगर हम साइंस समझें, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट सिंस वी आर बॉर्न टिल वी डाई। सो अगर हम आपकी बात करें, अगर आपके एब्डोमेन में 100 फैट सेल्स थे जब आप पैदा हुए थे तो आज भी 100 ही हैं। अच्छा, आप कहेंगे ऐसे कैसे, मैं तो साइज में बढ़ी हुई हूँ, उम्र में बढ़ी हुई हूँ, है ना। सो फैट सेल्स डू नॉट मल्टीप्लाई, दे इंक्रीज इन साइज। तो अगर पहले इतना सा फैट सेल था, अब वो इतना बड़ा हो गया, सो फैट सेल का साइज बढ़ गया, सो आपका साइज बढ़ गया। अब हम लाइपोसक्शन में क्या करते हैं, जिस भी एरिया में हमने निकाला है छोटा सा छेद करते हैं 3-4 मिलीमीटर का, कुछ फ्लूड डालते हैं जो फैट को इमल्सीफाई करते हैं, मेल्ट करते हैं, और फिर फैट को सकआउट कर लेते हैं। अब जब वो फैट को सकआउट कर लिया, आपको दिखाते हैं कितना फैट निकाला, वो क्या है, वो सेल्स ही तो हैं। सो सपोज 100 फैट सेल्स आप में से, मैं से 70 निकाल दिए, 30 बचे। नाउ दिस 30 इज परमानेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ फैट सेल्स, दिस 30 कैन नॉट बिकम 31 एवर। ठीक है, अब एक बात है, लेकिन जो ये 30 का साइज है ये बड़ा हो सकता है। तो आप सोचें कि हमने लाइपोसक्शन करा लिया, अब मैं रोज पिज्जा बिरयानी खाऊं और मोटा नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा कोई सर्जरी नहीं है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो अगर अब क्या ये 30 है, ये 30 का साइज बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट आप खुद सोचिए 30 का साइज इतना बड़ा हो जाना कि वो 100 जितना बन जाए, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसा होता नहीं है, इट्स परमानेंट रिडक्शन इन फैट सेल्स। जी, तो इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं आप, और कितना टाइम लगता है, और इसमें आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है, मतलब हर एक सर्जरी में होता है ना कि आपको टाइम लगता है रिकवर करने में, आपने जैसे कि बताया कि ब्रेस्ट रिलेटेड जो भी आप सर्जरी करते हैं वो सिर्फ डे केयर की होती है, लाइपोसेक्शन का कैसे रहता है? तो लाइपोसेक्शन भी यूजली डे केयर हो सकता है। अच्छा, इट डिपेंड करता है कितना फैट्स आप निकाल रहे हैं। सो हम यूजली रिस्ट्रिक्ट करते हैं फैट रिमूवल अप टू 6 लीटर इन अ डे, है ना। अगर 3-3.5 लीटर तक फैट निकाल रहे हैं तो वो डे केयर हो सकता है। अगर उसे ज़्यादा निकल रहा है तो हम पेशेंट को ओवरनाइट हॉस्पिटल में रखते हैं और अगले दिन वो डिस्चार्ज हो सकते हैं।
फ्रॉम नेक्स्ट डे देयर अप एंड अबाउट दे कैन डू देयर एक्टिविटीज. हम कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेंटल लाइपोसक्शन, माइक्रोवेव वेजर टेक्नोलॉजीज हैं जिससे टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, रिकवरी ज़्यादा होती है, जल्दी होती है, पेन बहुत कम होता है, स्वेलिंग ब्रूजिंग कम होता है. सो नेक्स्ट डे से दे आर अप एंड अबाउट, वो अपना खुद का काम खुद से कर सकते हैं. आफ्टर 2 to 3 days दे कैन रिज्यूम देयर ऑफिस वर्क ऑल्सो, मे बी इनिशियली वर्क फ्रॉम होम, देन आप और 2-3 दिन बाद ऑफिस जाना, डेस्क जॉब, अगर बहुत एग्जर्शनल जॉब होता है तो 10 दिन बाद. जी 2 weeks का मोटा मोटा मान के चलिए कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट रह सकता है. इसमें भी आप क्या पेशेंट को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि लाइपोसक्शन की इनको ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी करने को तैयार. बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देखिए, अगर जैसे ज़्यादातर पेशेंट एब्डोमेन के आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एब्डोमेन में 2 तरह का फैट सेल फैट लेयर्स होती हैं. एक होती है सबक्यूटेनस फैट लेयर जो स्किन के नीचे है, और एक होती है विसरल फैट लेयर जो मसल्स के नीचे है अराउंड योर ऑर्गन्स, लिवर इंटेस्टाइन्स एंड ऑल. हाँ, विसरल फैट लेयर को आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए डाइट एक्सरसाइज होता है. लाइपोसक्शन सिर्फ सबक्यूटेनस फैट के लिए होता है. अब कैसे पता लगा है कि किसी में सबक्यूटेनस कितना है और विसरल कितना है, यही होगी ना बात. हाँ. तो आप पिंच करके देखें, आपका जो भी फैट पिंच हो सकता है, आप पकड़ सकते हैं ऐसे पिंच करके, पेट पे पिंच करके देखें, तो वो सबक्यूटेनस फैट है, वो सारा निकल जाएगा. लेकिन जो फैट पिंच नहीं हो रहा, पकड़ के नहीं पकड़ पा रहे ऐसे, वो विसरल फैट है जो मसल्स के पीछे. ओके, ठीक है. सो अब कोई कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है कि सबक्यूटेनस फैट कम होता है, स्पेशली मेल्स में ऐसा होता है कि आप पिंच नहीं कर पा रहे, लेकिन ओवरऑल बल्ज बल्ज ही है, तोन जिसको बोलते हैं ना, ऐसे तोन बाहर निकली हुई है और वो फैट पिंच नहीं हो रहा. सो दे आर नॉट गुड कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन. उसमें आप कर देंगे तो वो पेशेंट खुश ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा. क्योंकि उसका फैट तो विसरल था, आपने थोड़ा बहुत ऊपर था वो निकाल दिया, लेकिन ज़्यादा फैट तो विसरल है. वो पेशेंट को तो रिजल्ट नहीं मिला, खुशी नहीं हुआ, वो कहीं सर इसका क्या फ़ायदा हुआ थोड़ा बहुत. अगर किसी का सबक्यूटेनस फैट ज़्यादा है और विसरल फैट कम है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. तो इसलिए पेशेंट एग्जामिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जी, यहाँ पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि हम कई बार देखते हैं जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो ज़्यादातर अपने फेस को लेकर बहुत काम करते हैं. नोज जॉब होती है, राइनोप्लास्टी जिसे आप कहते हैं, चीक बोन्स जो है वो दिखनी चाहिए, ये सब चिन दिखनी चाहिए, तो इस सर्जरी के बारे में आप थोड़ा बताएं. सो फेशियल एस्थेटिक्स इज अ डिफरेंट गैमट ऑल टुगेदर. अगर हम उसमें ऊपर से नीचे तक बात करें तो फोरहेड कंटूरिंग हो जाता है, बहुत से लोगों को रिंकल्स नहीं पसंद, फोरहेड पे आते हैं, तो वो ठीक करा सकते हैं. हेयर लाइन की तो हेयर ट्रांसप्लांट हो ही गया. उसके बाद आईब्रोज, आईब्रो लिफ्ट बहुत कॉमन प्रोसीजर है. यू नो एज दे एज एनी वन एजेस आईब्रोज एंड एवरीथिंग को सैग कर जाते हैं, सो आईब्रो को लिफ्ट किया जा सकता है. फिर अपर आई लिड कंटूरिंग होता है, लोअर आई बैग्स हो जाते हैं बहुत बहुत पेशेंट्स में, मेल्स फीमेल्स दोनों में, तो वो आई बैग रिमूव किया जाता है. अगर हॉलोनेस हो जाती है चीक्स पे एज के साथ, डिफ्लेशन हो जाती है, सो आपको हाई चीक बोन इज़ अ मार्क ऑफ ए ब्यूटी. सो हाई चीक बोन्स आप बना सकते हैं, आप कहीं से आप बॉडी से, जैसे मैंने आपको बताया, फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, फैट निकाल के वहाँ पे फैट डाल सकते हैं, ये इम्प्लांट्स भी होते हैं उसके लिए. राइनोप्लास्टी नोज जॉब बहुत कॉमन सर्जरी है नोज़ को सुंदर बनाने के लिए. फिर एक प्रोसीजर बड़ा कॉमन है, बक्कल फैट रिमूवल. उसमें किसी किसी के चबी चीज़ होते हैं, बोलते हैं क्यूट, लोग गाल खींचते रहते हैं, सो उसको अगर आपको स्लीकर लुक देना है तो वो बक्कल फैट निकाला जा सकता है. मुंह के अंदर से सर्जरी होती है, बाहर कोई कट ही नहीं आता. फिर उसके बाद आता है लिप जॉब हो गया, लिप्स पतले हैं उसको मोटा करना है, या मोटे हैं उसको पतला करना है, दोनों होते हैं, है ना. चिन, चिन बहुत रिसीडिड होती है, स्पेशली इंडियन मेल्स और फीमेल्स में. सो चिन ऑगमेंटेशन बाय इधर फिलर्स या इम्प्लांट परमानेंट, जॉ लाइन स्कल्पटिंग, नेक लिफ्ट, फेस लिफ्ट, तो ये सारी सर्जरीज होती हैं. फेशियल सर्जरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसको कितना करना है, कि वो ओवरडू ना लगे, ओवरडन ना लगे. देखिए, 2-3 कंसेप्ट्स हैं हमारे जो मैं मानता हूँ, कि कोई भी इंसान को आप जब चेहरा पे आप कंटूरिंग कर रहे हैं तो वो आपका इंडिविजुअलिटी खत्म ना करे चेहरे के, आपकी जो रियल आइडेंटिटी है जो आप हैं बेसिकली. अगर आप देखें, मैं आजकल देखता हूँ टीवी मॉडल्स वगैरह, कई सारे आप मॉडल्स देखते हैं, आपको लगता है ये तो एक जैसी लग रही हैं. तो इंडिविजुअलिटी नहीं होती. अगर हम पूजा जी की सर्जरी कर रहे हैं तो वो पूजा ही लगती रहनी चाहिए, मे बी अ बेटर वर्जन ऑफ पूजा एंड ना ही कोई और दूजा, है ना. सो वो आपकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहनी चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इट शुड नॉट शो दैट यू हैव हैड अ सर्जरी. यू नो आई कॉल दिस एज कीप देम गेसिंग लुक. इफ यू गो आउट
एंड वी हैव डन अ प्रोसीजर ऑन यू, बट यू जस्ट से कि हाँ पूजा इज लुकिंग सुंदर, इट्स यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आपने क्या हेयर अच्छा किया है या आपने मेकअप अच्छा चूज किया है, लेकिन ये बताना नहीं चाहिए, बताना नहीं चलना चाहिए कि आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा के आए हो। देखिए जो आपको रोज मिलते हैं आपके परिवार वाले वो तो बता देंगे, लेकिन जो आपको हर दो तीन चार हफ्ते में मिलते हैं उनको नहीं पता चलना चाहिए। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डूइंग अ कॉस्मेटिक सर्जरी वेल, कि आपने इतना सटल सटल स्मॉल स्मॉल चेंजेस किए कि रिजल्ट दिख भी गया विदाउट शाउटिंग इट आउट लाउड। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने नोज जॉब लिप जॉब करवाया है और वो सर्जरीज उनकी खराब हो गई, उनके करियर तक खत्म हुए हैं, तो ये सर्जरीज खराब होने की वजह क्या होती है? कईयों के करियर बने भी हैं, बने हैं करियर बने हैं, लेकिन वो देखिए मैं मतलब बताता हूँ मल्टीपल रीजंस होते हैं, इसीलिए आपको रिसर्च करना होता है कि आप सर्जरी किससे करा रहे हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई बारी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन ही चूज नहीं करते लोग, और ये इतना कॉमन है कि कई बारी डॉक्टर्स भी धोखे खा जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक डॉक्टर फ्रेंड है हमारी दूसरी सिटी में, उनका फ़ोन आया कि जी मेरी एक पेशेंट है वो उनसे सर्जरी कराने जा रही हैं, उनके बारे में आप जानते हैं क्या? मैंने कहा वो तो प्लास्टिक सर्जन ही नहीं है। कहते क्या बात कर रहे हैं, वो तो अपने आप को मार्केटिंग करते हैं ऐसे। मैंने कहा तो आप तो डॉक्टर हैं, आप उनकी डिग्री तो चेक कर लीजिए, डिग्री तो हर किसी के बोर्ड पे और प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो कहते हैं मेरे को तो आइडिया नहीं था। सो कई बार इंसान समझ नहीं पाता ये बात। दूसरा एक होता है कि एक होड़ चली हुई है सस्ते सस्ता कराना है, है ना। सो हमें डील मिल गई है ना। सो कॉस्मेटिक सर्जरी तो कला है एक, है ना। उसमें आप डील मिल गई ये नहीं बोल सकते कि जी आई गॉट अ गुड डील, सस्ता मिल रहा था, है ना। क्योंकि यू डोंट रियलाइज कि व्हाट यू आर पेइंग फॉर, आप सिर्फ पैसे की बात नहीं है ना, आपका पूरा लाइफ का सवाल हो जाता है। देखिए रीडू सर्जरीज भी करी जा सकती हैं, लाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि किसी को चीज़ को करेक्ट करना, बट कोई बिगड़ी हुई चीज़ को करेक्ट करना मुश्किल काम होता है। तो आप हम तो सबको बोलते हैं डू इट वंस डू इट राइट, है ना। डोंट ऑलवेज थिंक कि आज आप अगर एक बार ऐसा हो भी गया तो दोबारा करा लेंगे, ऐसे नहीं है। ट्राई एंड डू इट परफेक्टली। और मैं कई बार अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि बोलते हैं कि जी कॉस्ट का इशू है, तो देखिए कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, इलेक्टिव सर्जरीज हैं, है ना। इसमें कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि आज ही कराना है या कल ही कराना है। सो आपको अगर लगता है कि मेरे को ये कराना है और मेरे पास अभी इतना मनी का हिसाब नहीं है, तो आप थोड़ी देर वेट करके करा लें। सो दूसरा कारण ये है, पहला है क्वालिफिकेशन, दूसरा ये, तीसरा है नॉट फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। कॉस्मेटिक सर्जरी में बोलते हैं कि रिजल्ट सेटल होने में कई महीने लगते हैं, हफ्ते तो लगते ही लगते हैं। सो उस समय आपको कई बारी डॉक्टर्स कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे करना है, कुछ मसाज करना है कुछ एरियाज को, कई बारी लोग वो फॉलो नहीं करते प्रॉपरली। सो वो भी कारण होता है। यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आपसे बात करते हुए आया कि कॉस्मेटिक सर्जरी कोई भी ले सकता है, लेकिन एक सर्जरी होती है जो ट्रांसजेंडर्स करवाते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? ट्रांसजेंडर सर्जरीज इज अ टोटल गैमट, इट हैज लॉट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। टॉप और बॉटम सर्जरीज में डिवाइडेड होती हैं, और मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल की अपोजिट होती है नेचुरली। सो अगर हम MTF की बात करें यानी मेल टू फीमेल की, सो अगर हम टॉप टू बॉटम चलें, सो मेल्स का हेयर लाइन डिफरेंट होता है फीमेल्स के, जैसे हमारा हेयर लाइन होता है आगे से पीछे जा रहा है, फीमेल्स का हेयर लाइन ऐसे होता है। सो सबसे पहले तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट या स्कैल्प एडवांसमेंट सर्जरीज करना होता है उनका, ताकि हेयर लाइन, फिर फीमेल्स का जो फोरहेड होता है उसकी कंटूरिंग ऐसे होती है, मेल्स की स्ट्रेट होती है, सो वो करना है। आईलिड शेप, नोज की शेप फीमेल्स की अलग होती है, लिप्स की शेप अलग होती है, जॉ लाइन की अलग होती है, सो सारा करना। मेल्स में एक एडम्स एप्पल होता है ना, वो फीमेल्स में नहीं होता, उसको शेप अप करना। अच्छा, उसके बाद वो निकल जाता है वो? हाँ हाँ, वो थायराइड कार्टिलेज होता है, उसको आप थोड़ा शेप अप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना, फिर एब्डोमेन की शेपिंग करना, मेल्स में वी शेप होता है, फीमेल्स में आर्गला शेप होता है। सो ये सारी की सारी सर्जरीज होती हैं जिनको बोलते हैं MTF टॉप सर्जरी। उसके बाद बॉटम सर्जरीज होती हैं जो रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट आ जाता है। अभी तक तो जिन्होंने बताया ज़्यादा तो कॉस्मेटिक था, अब रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट में क्या आता है कि जेनेटेलिया को मॉडिफाई करना, वेजाइना रिक्रिएट करना। सो वो चीज़ें भी करी जा सकती हैं जो प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है, लेकिन उसको एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोला जाता है, बिकॉज यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग एन एरिया विच वॉज नॉट देयर। सो और फीमेल टू मेल में टोटली अपोजिट।
जी जी तो इसमें कितना रिस्क रहता है, कितने चैलेंजेस रहते हैं सर्जरी में? सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, और इसकी लॉ है इंडिया में, बहुत अच्छा लॉ बनाया हुआ है सरकार ने, कि कोई भी इंसान के दिमाग में है कि मेरे को मेल टू फीमेल करना है या फीमेल टू मेल करना है, मैं जेंडर चेंज करना है और वो सर्जरीज कराने आते हैं, सबसे पहले तो सरकार कहती है, लॉ कहता है कि वो इंसान अपोजिट सेक्स में एटलीस्ट 2 साल सोसाइटी में रहना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया कि अभी तो मैं आया और मैंने सर्जरी करा ली और फिर कुछ महीनों बाद मेरा दिमाग बदल गया। हाँ, मतलब रिग्रेट फील होने लगा, क्यों करा लिया। हाँ, सो वन हैज़ टू हैव अ वेरी स्टेबल माइंड, वन हैज़ टू वेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, है ना। और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट एक तो कुछ को शुरू से होता है, लेकिन कुछ टाइम के साथ इंसान। आई नेवर न्यू दिस एक्चुअली, दिस इज नथिंग न्यू फॉर मी। सो दिस इज लॉ, ओके। सो 2 years दे हैव टू रिमेन एज अपोजिट सेक्स विद अ न्यू चेंज, नेम चेंज एंड ऑल इन दिस सोसाइटी। ओह, प्लस इफ दे हैव टू अंडरगो एंडोक्राइन ट्रीटमेंट, हॉर्मोन्स भी तो अलग होते हैं ना मेल्स के फीमेल्स के, राइट। तो वो ट्रीटमेंट भी पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए सर्जरी से पहले। अच्छा, क्योंकि वो तो मेडिसिन है। सर्जरी आप देखिए ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है, दैट इज द लास्ट स्टेप। दे हैव टू हैव अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट कि दे आर एक्चुअली क्लियर ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी। फोर्थ, अ साइकेट्रिस्ट असेसमेंट और दैट देयर दे हैव स्टेबल माइंड और वो जो चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ये चारों चीज़ें होनी चाहिए और उसी के बाद आपके जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज में इंसान एनरोल हो। सो जब आप मतलब ये जेंडर सर्जरीज करते हैं तो क्या आप किसी तरह का सर्टिफिकेट मांगते हैं, किसी तरह का? ये सारी चीज़ें मांगते हैं ना कि आप अपोजिट सेक्स पे रहे हुए हैं, आपने नाम बदल के रहे हुए हैं अपोजिट सेक्स में, आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपोजिट सेक्स की तरह ही रह रहे हैं। आपका एंडोक्राइन ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, आपका साइकेट्रिस्ट क्लियरेंस हो चुकी है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, साइकोलॉजिस्ट, ये सब अनिवार्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जी 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 जी। तो ये भी कभी होता है कि जैसे कि आपने बताया कि बाद में रिग्रेट होता है कि हमने क्या कर लिया, तो ऐसा भी कभी पेशेंट आया कि उन्होंने रिग्रेट फील किया कि हमने क्यों करा लिया, हमको वापस वैसे ही होना है? देखिए, अगर इंसान का केस सिलेक्शन ठीक है ना, आप ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा। अगर कोई आप हड़बड़ी में सर्जरी कर दें तब ऐसा हो सकता। तो इसमें जिस तरीके से आप सर्जरी करते हैं, इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होता है? जो जेनेटिकल पार्ट्स होते हैं वो रिमूव करना, वो रिकंस्ट्रक्ट करना, वो अपने आप में आई थिंक वो सबसे ज़्यादा नेचुरली वो थोड़ा सा ज़्यादा। तो वो मेल टू फीमेल ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, फीमेल टू मेल होता है? फीमेल टू मेल इज मोर चैलेंजिंग। क्रिएटिंग अ पेनाइल ऑर्गन इज मोर चैलेंजिंग देन क्रिएटिंग अ वजाइना इन दैट सेंस, अगर आप सर्जिकली बात करें। तो आप कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब क्या मटीरियल, क्या चीज़ होती है? जैसे आपने ब्रेस्ट में बताया कि सिलिकन इम्प्लांट होते हैं, तो वो कैसे आप क्रिएट करते हैं? जो पेनाइल टिश्यू है, बेसिकली यू हैव टू टेक दैट पेशेंट का खुद का टिश्यू, उसका ट्यूब बनता है। सो रेडियल फोरआर्म फ्लैप होता है या लैटिस या ALT फ्लैप होता है। सो वो एक एरिया का टिश्यू निकाला जाता है उसकी वेसल्स के साथ। उस टिश्यू को शेप किया जाता है एक सिलेंडर बॉडी की तरह, जो पेनिस जैसा लगता है। और उस वेसल्स को फिर जहाँ पे आपको उसको लगाना है वैसे आप अटैच करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है, लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी होता है जिसको ये चाहिए। जी जी जी। ये तो मतलब बहुत नई चीज़ है बेसिकली, इस बारे में इनफैक्ट कोई बात भी नहीं करता। सर्जरीज के बारे में लोग करवाना चाहते हैं लेकिन बात कोई नहीं करता। पता है क्या ये बात है, और इसीलिए हमें सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम बात करेंगे अवेयरनेस फैलेगी, क्योंकि लोगों को बात नहीं करते तो उनको पता नहीं चलता कि ये हो सकता है और कौन कर सकता है। क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कौन कर सकता है, तो इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के चक्कर में, कोएक्स वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, ये भी मैंने देखा है कि मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं, इस डॉक्टर से मिलिए, मतलब जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, कार्ड्स लगे होते हैं। सो वो ये भी है कि डॉक्टर को चूज करना मेरे को लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। क्योंकि आपकी लाइफ एक तरीके से दूसरे भगवान के हाथ में है। नहीं, भगवान तो एक ही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई डॉक्टर भगवान होते हैं, मैं नहीं मानता इस बात में। लेकिन बहुत बारी हम कोई कपड़ा खरीदते होते हैं तो बड़ा सोच रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर चूज़ करते हुए नहीं सोचते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चूज़ योर डॉक्टर। क्योंकि एक केस मैं आपको लाइपोसेक्शन का बताऊं, हमारे किसी जानने वाले ने कराया था। उन्होंने करा तो लिया, पता नहीं कैसे कहाँ से क्या कराया, लेकिन वो पूरी लाइफ टिल डेथ, वो अब एक्सपायर हो गई हैं आंटी,
वो परेशान ही रही हैं, उन्होंने सबको बोला कि लाइपोसेक्शन नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। सो ये डॉक्टर चूज करना मेरे को लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए किसी का क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने किसी से करा लिया, वो पढ़े लिखे थे नहीं थे, क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बट इन जनरल, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो चाहे कोई और भी प्रोसीजर हो, यू हैव टू चूज योर डॉक्टर वाइजली। जी जी जी, ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को फिट दिखा सकते हैं। आपने मेल्स में एक चीज़ बताई थी, एब्स बनाने की, सिक्स पैक एब। तो, हाँ, सिक्स पैक एब, तो वो कितनी कॉमन है, क्योंकि आजकल मतलब बहुत कॉमन है, हम काफ़ी करते हैं। देखो हमारी प्रैक्टिस तो जानी जाती है हाई डेफिनेशन बॉडी कंटूरिंग, तो ब्रेस्ट और बॉडी कंटूरिंग तो हमारी प्रैक्टिस का ब्रेड एंड बटर है, बहुत ज़्यादा करते हैं। सो हमारी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है सिक्स पैक एब्स, बट सिक्स पैक एब हर सर्जरी हर किसी के लिए नहीं है, उसी अच्छा। के लिए जो फिट है, ये नहीं कि कोई आपके पास 150 किलो का आदमी आ गया आप उसको सिक्स पैक एब बना दोगे, नहीं। जो इंसान फिट है, डिसेंट शेप आ चुकी है, बट वो वाओ लुक नहीं आ रहा, वो सिक्स पैक एब नहीं आ रहे, तो उसके लिए सिक्स पैक एब सर्जरी होता है। सो बेसिकली वी क्रिएट दोज कंटूर्स, जैसे एबडामन में मसल्स होती हैं, रेक्टस एबडामिनस, तो उसको एब एचिंग करके टेक्निक बोलते हैं, उस तरह से करते कि वो एजेस ऑफ मसल्स डिफाइन हो, हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस भी बने। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आर्ट फॉर्म क्या है सर्जरी का। वैन ऐसे आर्ट फॉर्म, कई बार लोग सिक्स पैक एब बना देते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, जैसे यू नो स्केल से लाइन खींच दी, स्केल से लाइन। अब देखिए, भगवान ने जिसको सिक्स पैक एब बना के दिए मसल डेफिनेशन, वो कभी भी ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं, हल्का सा इरेगुलर होता है। और ऐसे शार्प नहीं होता, खट ऐसे शार्प नहीं होता, वो हल्का सा डिप्रेशन आया फिर उठा। सो वो जो सटलनेस है ना, फिनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तभी वो सिक्स पैक एब्स, हमारे रिजल्ट आपने देखे होंगे, बहुत सुंदर लगते हैं, कोई बता ही नहीं पाता हमने बनाए हैं या वो नेचुरल है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो नेचुरल सिक्स पैक एब्स। आपको ये लगता है कि पिछले कुछ टाइम से कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर लोग ज्यादा कराने लगे हैं, अवेयर हुए हैं, कुछ क्रेजीनेस कभी आपने देखी है पेशेंट्स में कि नहीं मुझे तो कराना है, मुझे तो सुनना ही नहीं, आप तो बस कर दीजिए? ये आपके दो सवाल में हैं, इसमें मैं एक एक करके लेता हूँ। पहले आपका सवाल है कि क्या ये सर्जरीज बढ़ी हैं। सो जब कोविड हुआ, सब बहुत से बिजनेसेस है ना, इंडस्ट्रीज परेशान थी कि आगे बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, लोग है ना, लोगों के पास इनकम्स कम हो गई, तो हो, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरीज का राइज हुआ अप टू 200%। और इसे मैं ये अपने प्रैक्टिस का नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंडिया का भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं वर्ल्ड का बता रहा हूँ। अच्छा, 200% कॉस्मेटिक सर्जरीज ज़्यादा होने लगी। ये देखा, उसके दो तीन कारण लगे लोगों को देखने में। एक तो ये लगा कि वो इंसान घर पे बैठे रहे, ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए, एक्सरसाइज नहीं हो पाई, मोटे हो गए, तो उनको लगा कि एक्सरसाइज करें। दूसरा, शायद लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें अपने पे खर्चना है, दुनिया का नहीं पता क्या होने वाला है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे क्या खर्चना, गाड़ी तो घर के बाहर ही खड़ी रही, दो तीन महीने से घर के अंदर ही है। तो दे स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन देमसेल्व्स। सो आप देखेंगे बहुत से लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान देने लग गए, और उसी तरह कॉस्मेटिक सर्जरी पे भी ध्यान देने लग गए। सो प्रोबेबली दीज आर द रीजंस। द थर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन इज एडवेंट ऑफ वेबिनार्स, वेब मीटिंग, जूम। पहले सुना नहीं था, गूगल मीट, जूम कोविड के बाद हुआ। तो नाउ अगर मैं आपसे, अब जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने आपको नहीं देख रहा, आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप अपने आपको नहीं देख रहे हैं ना, लेकिन एक जूम एक ऐसी चीज़ है, या गूगल मीट सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि मैं अपने आपको देख रहा हूँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो पीपल स्टार्टेड, अच्छा अगर मैं मिरर में देखता हूँ, तो मैं मिरर में देख रहा हूँ, बाल बना रहा हूँ या शेव कर रहा हूँ, बट मैं बात करते हुए अपने आपको नहीं देख रहा। राइट, ये जो शुरू हुआ वेब मीटिंग्स का सिलसिला, इसमें पहली बार ज़्यादातर लोग अपने आप को देखने लगे बात करते हुए। आज तक तो सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस देखते थे अपने आप को बात करते हुए, क्योंकि वो स्क्रीन पे देखते थे अपने आप को, या रिहर्स करते हुए मिरर के सामने रिहर्स करते थे, तो उनको लगता था कि मेरी ये चीज़, ये फेशियल पार्ट, ये बॉडी पार्ट अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये एंगल अच्छा नहीं लग रहा, ये एंगल अच्छा लग रहा है, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराने लगे। अब आम आदमी भी जो ऑफिस जाता है, वो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, अपने आप को सारे टाइम देख रहा है, मैं बात करते हुए कैसे दिख रहा हूँ, उसको वो चीजें खलने लगी जो शायद पहले वो देख नोटिस ही नहीं करता, नोटिस नहीं करता। तो ये भी एक रीजन था कि क्यों कॉस्मेटिक सर्जरी बढ़ी। आपका दूसरा एस्पेक्ट था क्वेश्चन का कि क्या आपने क्रेजी लोग देखे हैं? बहुत देखे हैं क्रेजी लोग।
क्या होता है कि कई बारी, और ये हमारा काम होता है कि किस तरह से हम अपने प्रैक्टिस से क्रेजी लोगों को हटा पाएं। पूजा जी, आप थोड़े सरप्राइज होंगे जान के, मैं हर हफ्ते एटलीस्ट 7 to 8 सर्जरीज मना करता हूँ। अच्छा। मना करता हूँ कि नहीं करूँगा, दिस पेशेंट हैज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। भाई, हम आपको एक लिमिट तक बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम कुछ अलग ही लेवल पे ले जाएंगे, आपको नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि एब्डोमेन में सबक्यूटेनियस फैट हम निकाल देते हैं, किसी का विसेरल फैट है, उसके लिए तो आपको डाइट और एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम एक लिमिट तक ले जा सकते हैं, और एक लिमिट तक ही आपको चेंज करा जा सकता है ना, भगवान तो नहीं है जैसे मैंने आपको बोला तो। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन होती है जी बिल्कुल अलग, कि हम तो आपको पैसे दे रहे हैं तो मेरे को तो नाक ऐसी चाहिए। नहीं हो सकती नाक ऐसी, मतलब देयर इज अ लिमिट टू व्हाट वी कैन अचीव। आप ये नहीं है कि आपने किसी एक्ट्रेस की नाक की फोटो लें और बोले मेरे को डिट्टो ऐसी नाक चाहिए मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, नहीं, वो नहीं हो सकता। सो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, हम अपनी प्रैक्टिस में हर कोई चाहता है कि यार ऐसे को ना करें, क्योंकि ये इंसान खुश नहीं रहेगा। सी, नोबडी, नो डॉक्टर वांट्स कि उनका पेशेंट खुश ना रहे। एट द एंड वी वांट हैप्पी पेशेंट्स। सो अगर कोई पेशेंट हमें पहले से लग रहा है ये खुश तो होने नहीं वाला, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। डिफिकल्ट पीपल, यू नो, इस बारे में बात कम भी कम होती है। आप भी पब्लिक रिलेशनशिप में हैं, जो भी लोग पब्लिक रिलेशनशिप में हैं, आप ऐसे नहीं नोट करते आजकल लोग थोड़े से डिफिकल्ट होते जा रहे हैं? कुछ कुछ लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं। हाँ। है ना, मतलब बात बात में गुस्सा हो जाते हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं। सो उन लोगों को भी हम थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं कि यार मतलब दिस पेशेंट इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, इसमें पेशेंस नहीं है, क्योंकि सर्जरी के बाद रिकवरी भी तो होगा। हाँ, रिकवरी का पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ। तो कई बारी लोगों को वो नहीं होता। तो ये समस्याएं भी हैं हमारी फील्ड की। चलिए, हम तो डॉक्टर, समय हमारे पास टाइम इतना ही है, वरना आपने इतनी सारी अच्छी नॉलेज दी है, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है। मतलब मैंने आपके साथ पहले भी शोज किए हैं, आपके साथ शो करने बैठी हूँ, पढ़कर बैठी हूँ, फिर भी मुझे इतना नहीं पता था जितना आपने बताया है। आपने कितनी देर पढ़ा होगा? हमने 15 साल की पढ़ाई की। सो मैं वही बोल रही हूँ, बहुत सी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, बल्कि व्यूअर्स के लिए भी नहीं होंगी, हमें नहीं पता है, और अवेयरनेस की कमी सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला और इतनी जानकारी हमको दी, थैंक यू सो मच। तो आई होप कि जो आपने आज का ये पॉडकास्ट देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, खासतौर से यंगस्टर्स के लिए, जो कि आजकल की लाइफ को लेकर के, अपने आप को लेकर के ज़्यादा जो है अवेयर हैं, अपना लुक्स पे काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं सोच समझ के करिए, और अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी में जा रहे हैं तो सही डॉक्टर को चुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे कि डॉक्टर रजत ने कहा कि पेशेंट को समझना चाहिए कि उसके लिए सही क्या है। तो आपके लिए सबसे पहले सही यही है कि आप सही डॉक्टर को चुने। तो द पूजा सिंह पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही, आपकी जो भी राय हो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। नमस्कार।